आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज का ये मेरा वीडियो स्पेशली फीमेल के लिए है, महिलाओं के लिए है। फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए उनका मासिक धर्म नियमित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। काफी ऐसी महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं जो इसमें तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित है, मीन्स कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं होता है, बहुत सारी उनमें परेशानियां आती हैं। तो इन सभी को दूर करने के लिए एक मैं पेटेंट आपको बताऊं। वैसे तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम देते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं एक पेटेंट बता रही हूँ जो आपको एक जनरल मेडिसिन के तौर पर आप इसको ले सकते हो, कि अगर इस तरीके की, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या सिम्टम्स में आप ले सकते हो, किन इंडिकेशन में ले सकते हो आप, तो अगर उस तरीके के आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, ऐसा लगता है, तो आप उस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, एक जनरल मेडिसिन के तौर पे से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक फीमेल की लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये उसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। हर महीने एक एग का प्रोडक्शन होता है और फिर वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसका डिस्चार्ज हो जाता है, वो बाहर हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। ये जानना जरूरी है कि आखिर अनियमित साइकिल या हम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड कब कहेंगे। तो इसे हम तब कह सकते हैं जबकि या तो जैसे आपका जो हर महीने साइकिल आना चाहिए कायदे से वो 28 या 30 दिन का होता है, कुछ लोगों में 32 दिन का भी होता है। तो अगर जैसे 28 का है तो आपको हर महीने एक लिस्ट आना चाहिए एक बार, तो ना आके वो 2 महीने का गैप हो रहा, 3 महीने का गैप हो रहा, 4 महीने का गैप हो रहा, या फिर कई कई लोगों में तो 6-6 महीने का भी गैप देखा गया है। तो इस तरीके का गैप है वो नॉर्मल वे में, मीन्स अगर प्रेग्नेंट नहीं है लेडी तो अगर इस तरीके का गैप हो रहा है तो ये अनियमित मासिक धर्म कहलाएगा। या फिर जो लड़कियां हैं जिनका भी स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्क्यू भी हुआ है उनको, तो एक या दो बार हुआ उसके बाद फिर बहुत लंबा गैप हो गया, कई महीनों तक नहीं आया, तब भी हम इसको अनियमित कहेंगे कि शुरू हो गया है बट फिर रेगुलर नहीं चल रहा है, हर महीने नहीं आ रहा है, प्रति माह जो निश्चित समय पे आना चाहिए तब नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उस समय, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत हालत आपकी जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उस टाइम पे, आप डे टू डे की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी हैम्पर्ड हो रही है, ये आपको एक तरीके से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ही कहलाएगी। या फिर कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि जो है वो हमेशा आगे बहुत कई दिनों का अंतर हो जाता है, जैसे कि 5 से 7 दिन का अगर अंतर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन अगर जैसे हर महीने 15 दिन 20 दिन आगे पीछे का गैप हो रहा है या फिर 15-20 दिन पहले आ जा रहा है 15-20 दिन बाद आ रहा है, तो ये भी आपका अनियमित मासिक धर्म ही कहलाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा उस समय अगर दर्द होता है, कमर में दर्द स्पेशली, आपके पैरों में जांघों में दर्द हो रहा है, कुछ काम करते भी नहीं बन रहा आपसे और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जबकि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत कम दिन के लिए होता है, जैसे कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुई ब्लीडिंग बस, उसके बाद फिर स्टॉप हो गया, तब भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। मीन्स की जो कायदे से 3 से 5 दिन का साइकिल होता है, तब अगर आपको ये पूरा ना दिखकर 1 या 2 दिन हो रहा है बस, या फिर 1 ही दिन हो रहा है, तो आप मीन्स की बहुत कम ब्लड जा रहा है, तो आप तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम है REPL की डॉक्टर एडवाइस नंबर 62, मेंस्ट्रुअल ट्रबल के नाम से आती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, REPL कंपनी भी बहुत बढ़िया है, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी है, और मुझे तो रिजल्ट क्लिनिक पर मिलते हैं तो मैं उसी मेडिसिन के ऊपर ही वीडियो लेकर आती हूँ, अपने जो सामने मैंने रिजल्ट देखते हैं उसके बेसिस पे ही मैं मेडिसिन आपको बताती हूँ। तो इसके भी रिजल्ट मुझे मिले इसलिए मैं आपको आज इस मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ। आप ले सकते हैं जो जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको लें। और इसकी डोज कैसे लेनी है उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको मेडिसिन कौन कौन सी मिलने वाली हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि फीमेल के इन ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आपको मेडिसिन मिलेगी पल्सेटिला, सेबाइना, सेनेशियो, फ्रेक्सिनस, अल्टेरिस, कैमोमिला, सिमिसिफुगा, इस तरीके से बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को आराम दिलाने में। आपको इस तरीके की मासिक धर्म की जो तकलीफें होती हैं उसे भी दूर करता है और आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मासिक धर्म है उसे भी ये नियमित करता है। लेना कैसे है इसकी डोज जानते हैं हम। तो इसकी आपको करीब 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है और इसको आप लीजिए कम से कम दिन में
दो बार तो लीजिए, एक बार सुबह लें, एक बार रात को सोते समय लें। इस तरीके से आपको 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी आप सादा पानी में भी ले सकते हैं। और कम से कम ये दवा आपको 3 से 6 महीने तक तो लेनी ही लेनी है। इस दवा को कंटिन्यू लेने का कोई नुकसान भी नहीं है, नॉर्मल भी आने लगे नेक्स्ट साइकिल तो भी इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, 6 महीने तक मिनिमम लेते रहिए। इसको लेने के साथ आपको बहुत अच्छे आपका जो साइकिल है बिना किसी साइड इफेक्ट के नॉर्मल भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपसे मिस नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।